रेल मंत्री पवन बंसल के परिवार ने 5 साल में अरबों रुपए कमाए। एक अंग्रेजी अखबार का दावा, कंपनी का टर्नओवर 152 करोड़ रुपए पहुंचा। अखबार का दावा है कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की पत्नी और बेटे की कंपनी थियोन फार्मास्यूटिकल की शुरुआत चंडीगढ़ में सन 2005 में हुई थी। कंपनी ने 2007 की बैलेंस शीट में 0 टर्नओवर घोषित किया था, जबकि 2012-13 में ये 152 करोड़ रुपए था। बंसल इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री रहे, जबकि पिछले साल नवंबर में तृणमूल कांग्रेस के यूपीए से हटने के बाद उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। चंडीगढ़ में कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा दस्तावेजों के मुताबिक कमाई के मामले में थियोन का खाता सन 2008 में खुला। इस साल कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ 35 लाख रहा, जो अगले साल बढ़कर 41 करोड़ रुपए हो गया। 2010 में थियोन का टर्नओवर 62 करोड़ रुपए हो गया और 2011 में ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। थियोन फार्मा के कारोबार को मुख्य रूप से मनीष और अमित चलाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शेयरधारक बंसल की पत्नी और डायरेक्टर मधु हैं। मंजित नेगी, इंडिया टीवी।